सहनावतु सहनौभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 482वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के संकर्ष कांड के द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद। कल हमने 12वें सूत्र तक देख लिया था। पिछले पाठ में से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पृष्ठ संख्या 55 अंतिम परिच्छेद में द्वितीय पंक्ति, दृष्टा च चित्रगते देवतादु यम व्यक्ति भिन्नत्वेन इति अनिरुक्तता। ये अनिरुक्तता कैसे है? हाँ, तो ये 55वें पृष्ठ के अंतिम अनुच्छेद की ऊपर से दूसरी पंक्ति, तो कह रहे हैं कि दृष्टा च चित्रगते देवदत्तादु। चित्रगत जो देवदत्त आदि हैं, देवदत्त यज्ञदत्त आदि जो भी हैं, और वो चित्रगत जब होते हैं, उनका चित्र जब बना होता है, तो उनमें यम व्यक्ति भिन्नत्वेन दृष्टा, व्यक्ति के भिन्न होने पर भी देखी जाती है आकृति। एक देवदत्त नाम का व्यक्ति है, वास्तविक चलता फिरता जो मनुष्य है, वो एक व्यक्ति हो गई, और उसी का चित्र जो बना हुआ है वो, तो ये व्यक्ति भेद होगा। ये वास्तविक है, वो चित्र है, लेकिन है तो व्यक्ति अलग अलग, और दोनों में देवदत्त के लिंग दिखाई दे रहे हैं, चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, कि चित्र को देख के भी हम पहचान लेते हैं कि देवदत्त का है, और देवदत्त को भी देख के हम कहते हैं कि ये देवदत्त है। तो यद्यपि 100% लिंग नहीं मिल रहे हैं, लेकिन बहुत से लिंग मिल रहे हैं जो कि हमारे को पहचान करा रहे हैं। तो लिंग के होते हुए भी वहां पर व्यक्ति का भेद है, तो उसमें ये पूर्व पक्षी दोष दिखा रहे हैं कि लिंग के लिए आपने कहा था लिंगानि आक्रियन्ते यस्याम सा आकृति, जिसमें लिंग व्यक्त होते हैं, प्रकट होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं, उसको आकृति कहते हैं, यानी जिसमें लिंग होने चाहिए, और लिंग से व्यक्ति को जाना जाता है, जाति को जाना जाता है। यद्यपि चूंकि देवदत्त का है, इसलिए यहाँ जाति की तो बात होगी नहीं, क्योंकि वो तो अकेला ही होता है, अनेक होंगे तो जाति होगी, एक में तो जाति होती नहीं है। लेकिन इसको आप व्यक्ति की दृष्टि से देखेंगे तो लिंग तो है, लेकिन चित्र में देवदत्त व्यक्ति नहीं है, इसलिए जो आपने निर्वचन किया, निरुक्तित किया कि लिंगानी आक्रियन्ते यस्याम सा आकृति, तो वो अनिरुक्तता हो रही है, दोष दिखा रहा है। ऐसे ही जाति की दृष्टि से भी, जहां जातिगत होगा वहां भी लगा लेंगे, यानी जैसे गो हमने लिए तो गाय है और फिर गाय का चित्र है, अब उसमें गाय के चित्र में गाय के लिंग तो है, लिंग है तो वहां पर आकृति भी है कुछ अंशों में, लेकिन वहां पर जाति नहीं है सामान्यतया। हालांकि तो हम उसमें भी गोत्र जाति देख लेते हैं चित्र में भी, लेकिन वैसे जाति है नहीं वहां, यही बात लिंग में है। तो इन्होंने कहा कि प्रतिनियत जाति अभिव्यक्ति हेतुत्वात्, आकृति जो है निश्चित जाति की अभिव्यक्ति का हेतु है, यानी बताने वाली है, निश्चित लिंग जो है निश्चित जाति को बताने वाले हैं, जबकि यहां पर आप दूसरे ढंग से देखें कि ये लिंग किसी जाति को नहीं बता रहे। देवदत्त के चित्र में जो लिंग हैं, जितने भी हैं लिंग तो हैं, वो किसी जाति को नहीं बता रहे, तो उस दृष्टि से वहां पर वो संगत नहीं लग रहे हैं। अगले पृष्ठ में 56वें पृष्ठ में सूत्र संख्या 2 में चौथी पंक्ति में जो कृष्णलेशु इव अन्यत्र, ये मुझे ठीक लगता है। हाँ ठीक है, इसको ऐसा कर लीजिए, अदृष्टार्थः कृष्णलेशुव अन्यत्र, कृष्णलेशु इव अन्यत्र। कल जो ये बात थी कि ई को हटाएं ए है, तो वो संशोधन देख रहे थे, तो ये ई को ही लंबा कर लीजिए, ठीक है। कृष्णलेशु इव अन्यत्र, कृष्णल के समान, स्वर्ण के समान अन्यत्र भी अदृष्टार्थता होगी, यानी मुख्य पाक वहां पाक नहीं होगा, स्वर्ण लोह आदि की जो इष्टिका होंगी उसमें पाक नहीं होगा,
और इसी में अंतिम पंक्ति जो है, तस्यापि भूयो अवयव सामान्येन, ये अवयव सामान्य किसको कहना? इसमें थोड़ा अस्पष्ट है, लेकिन फिर भी देखिए कि इष्टिका शब्दस्य, जो इष्टिका शब्द है वो मृत प्रकृति द्रव्याभिव्यंग्य जाति मत्वा, इष्टिका शब्द जाति मत में जाति मत्व है। कैसा? मिट्टी है प्रकृति, जिसकी मिट्टी की प्रकृति वाले द्रव्य से अभिव्यंग्य जाति वाला जाति पना है उसके अंदर। ठीक है, यहां तक हो गया जाति मत्वा। तस्यापि, तस्यापि मतलब वो इष्टका का भी, भूयो अवयव सामान्य न शब्द योगो वर्तते, फिर उसका अवयव के सामान्य से, अवयव की समानता होने से शब्द का योग अन्य जगह भी हो जाता है। तो यहां पर जो अवयव सामान्य है वो इष्टका के जो ईंट के जो कोने कोने आदि होते हैं उसको देख के, एक विशेष प्रकार की आकृति ईंट की होती है, कोने आदि जो है लंबाई चौड़ाई, उसके आधार पर अन्यों में भी इस शब्द का प्रयोग हो जाता है। ये अवयव वो ले लेंगे चारों तरफ के, तो कौन? तस्यापि भूयो अवयव सामान्य ने शब्द योगो वर्तते, अन्य जगह भी। यद्यपि ये शब्द इष्टिका शब्द मृत प्रकृति द्रव्य अभिव्यंग्य जाति वाला है, लेकिन फिर भी जहां मिट्टी नहीं है वहां पर भी इसके अवयवों के सामान्य से शब्द का प्रयोग देखा जाता है। ये गौण प्रयोग हो गया। आगे कह रहे हैं यद विशिष्ट यदवद इष्टिका शब्दों अन्य प्रकृति के, कि जैसे इष्टिका शब्द जो है अन्य प्रकृति वालों में भी हो जाएगा। वो तो था मृत प्रकृति द्रव्य से वाला, ये अन्य प्रकृति द्रव्य वाले यानी स्वर्ण लोह आदि प्रकृति वाले द्रव्यों, प्रकृति जिसका है, ऐसे द्रव्य में भी इष्टिका शब्द का प्रयोग देखा जा सकता है अवयवों की सामान्यता होने से। कहां दोनों जगह एक ही बात को दोहरा रहे हैं, इसलिए पर? जैसे भूयो अवयव सामान्य ना शब्दो योग, शब्द योगो वर्तते, अल्प विराम। तो ये इसी बात को ही तो आगे में हाँ, तो कह रहे उदाहरण हैं। किया, उदाहरण दे दिया, उदाहरण तो कुछ अलग तो तस्यापि हमने, भूयो अवयव उसका भी और अधिक अवयव के सामान्य से। तो भूये में अन्य न लेकर के उसी ईंट के, मिट्टी की ईंट के जो अन्य अवयव हैं, एक तो पूरी ईंट है और उसके जो अन्य, भूय मतलब अन्य के अर्थ में, भूय तस्यापि भूय और अधिक उसमें अवयव के सामान्य से भी शब्द का प्रयोग होता है। शब्द का प्रयोग मृत प्रकृति द्रव्य वाले, उस जाति वाले द्रव्य में भी प्रयोग हो रहा है, और उसका प्रयोग अन्य अवयव के सामने से भी शब्द का प्रयोग हो रहा है, और अधिक भी शब्द का प्रयोग हो रहा है अन्य जगह पर। कहाँ हो रहा है? तो फिर यदवद इष्टका शब्दों अन्य प्रकृति के, ये उदाहरण की तरह से आ गया। उदाहरण और इसमें तो कोई अंतर नहीं लग रहा है, उदाहरण भी वही कह रहा है और ये भी वही कह रहा है, नहीं, वहां तो अवयव के सामान्य से शब्द का दूसरे प्रयोग होता है। अवयव के सामने से इष्टि का शब्द अन्यत्र प्रयोग हो जाता है, यहां भी वही बात है। वहां पर देखो इष्टिका शब्द सीधे नहीं कहा, तो ये जो अन्य जगह भी देखा जाता है, तो अन्य जगह कहाँ देखा जाता है? तो उसको अतिरिक्त कहा अन्य प्रकृति के, अन्य प्रकृति वाले में भी देखा जाता है। ये नई बात कही इस वाक्य में। ऊपर वाला जो अवयव सामान्य दिखा रहे हैं वो अन्य प्रकृति वाला नहीं है, नहीं, उसमें कुछ कहा नहीं गया। तस्यापि भूयो अवयव सामान्य ने शब्द योगो वर्तते, अवयव के साम्य से शब्द का योग होता है। कहाँ पर होता है? कहां पर होता है? उसको आगे खोल दिया अन्य प्रकृति के, यहां तो कहा नहीं गया था। यद्वत नहीं आएगा ना यदि उसी बात, जैसे कि अन्य जगह लोक में इष्टिका शब्द का प्रयोग अन्य प्रकृति वालों में देखा जाता है, लोक में देखा जाता है। यदि उसी को ही खोला तो हाँ। फिर यद्वत तो नहीं आएगा, यदि उसी को ही खोलेंगे तो यद्वत कीट के लिए होगी। तस्यापि मतलब जो मिट्टी कीट पीछे बताए कि मृत प्रकृति द्रव्य द्रव्य अभिव्यंग्य जाति मत्वात, तो मिट्टी की ईट की चर्चा चल रही, फिर तस्यापि उसी ईट की जो मिट्टी की ईट है अन्य कोण आदि द्रव्य के सामान्य योग से ईट शब्द का प्रयोग उसमें हो रहा है मिट्टी की ईट में। मिट्टी वाली ईट में, हाँ, ठीक है, उसी प्रकार इष्टिका अन्य प्रकृति वाले में, क्योंकि अन्य में भी जो कोण अन्य आदि है। प्रकृति वाले में भी अवयव सामान्य से शब्द का योग देखा जा सकता है। ठीक है, मृत इष्टिका में, मैंने मृत शब्द भी लिख रखा है वैसे यहां पर,
मृत इष्टिका के, ठीक है, मृत इष्टिका के भूयो अवयव सामान्य न शब्द योगो वर्तते, उसके आकार प्रकार के कारण भी इष्टिका शब्द का प्रयोग देखा जाता है। यद्यपि मृत प्रकृति द्रव्य वाले में ही है, लेकिन वो आकार प्रकार भी है, उसमें भी इष्टिका शब्द का प्रयोग देखा जाता है। यद्वत इष्टिका शब्दों अन्य प्रकृति के, अन्य प्रकृति वालों में भी अवयव सामान्य से ही शब्द का प्रयोग देखा जाता है, ऐसे इसमें भी प्रयोग देखा जा सकता है, इस रूप में अगर समझाना चाहेंगे तो। ठीक है, लेकिन वो आगे फिर प्रश्न उठा रहा है ना, कथम पुनः इष्टिका इति स्वर्णमय इष्टिका इति, सिद्धांत कहते सादृश्य न शब्द प्रयोग, वही बात तो है, तस्मात मृन्मय एव उपादत्तव्य इति, अन्य जगह तो सादृश्य से, अब वो बात तो होने को तो ऊपर आ ही चुकी है, सादृश्य था नहीं, जैसे इष्टिका शब्द अन्य प्रकृति वाले में भी होता है वैसे इसमें भी होता है। हाँ, अवयव सामान्य से, स्वरूप सामान्य, अवयव सामान्य मतलब ये हो गया स्वरूप सामान्य, ठीक है। और पृष्ठ संख्या 59, अधिकरण संख्या 7, ईंटों का ही प्रसंग चल रहा है, तो उसमें ये उठाया कि इष्टिका पाक निर्मंथ्येन लौकिकेन आग्निना, ईंट का पाक करना चाहिए, पकी भी होनी चाहिए, पीछे बता दिया गया पक्व ही लेनी चाहिए, लेकिन वो पाक किस अग्नि में हो, ये विषय यहाँ पर उठाया गया है। तो सातवें अधिकरण में पहला सूत्र यानी 13वां सूत्र ये पूर्व पक्षी का है, स वैहारिक प्रकरणात्, प्रकरण से ये वैहारिक अग्नि होनी चाहिए, वैहारिक मतलब गार्हपत्य दक्षिणाग्नि आहनी अग्नि, ये वैहारिक अग्नियां कहलाती हैं। तो भाष्य में कह रहे हैं स खलु इष्टिका पाक किम वैहारिकेण अग्निना, इन तीनों को मिला करके, गार्हपत्य दक्षिणाग्नि आहनीय, तीनों को मिला करके कर्तव्य आहुस्वित अन्य नेति अथवा भिन्न अग्नि से करना चाहिए, किम प्राप्तम, तो तासाम पाके वैहारिको अग्नि ही स्यात्, उनके पाक में वैहारिक अग्नि ली, क्योंकि विहरण करके ले जाई जाती है, वैहारिक अग्नि कहते हैं विहार में। कुतः प्रकरणात् सहसु, अब ये प्रश्नवाचक लगा रखा है, क्या शब्द है ये, प्रकृत सन्निधानात् अवैदिक कार्यादि आवर्तते, प्रकृति के प्रकृत सन्निधान से अवैधिक कार्य आदि आवर्तते, अवैधिक कार्य भी इसमें हो जाते हैं, क्योंकि प्रकरण से वहां पर प्राप्त हैं, है? अवैधिक कार्याद व्यावर्तते, सहसु प्रकृत सन्निधानात अवैधिक कार्याद व्यावर्तते, अवैधिक कार्यों से यह हट जाती है, ठीक है, अवैधिक कार्यों से ये हटती हैं, यानी अवैधिक कार्य नहीं होंगे, ये तो वैदिक ही है, अवैधिक कार्यात् व्यावर्तते, द्वादशेष्टका नाम तो पाको वैदिके, इन 12 ईंटों का पाक तो वैदिक में ही होगा, विधानात् कर्मांगत्वाच, विधान भी किया है और ये कर्म का अंग भी है, तस्मात् वह्यारिके एव स्याद् इत्येवं प्राप्ते ब्रूमः, वैहारिक अग्नि में ही ये पाक होना चाहिए। इस पर सिद्धांत कहता है लौकिक एन व अनिर्देशात, लौकिक अग्नि में होना चाहिए क्योंकि कोई निर्देश नहीं किया गया है, वेति पक्ष व्यावृत्ति, लोके इष्टका शब्द संयोगिनो ये धर्माः ते किम हिरण्यकेन लौकिकेन पच्चेरन, तो लोक में जो इष्टका शब्द से संयोग वाले जो धर्म है वो लौकिक अग्नि में पके, लौकिकेन पच्चेरन, इष्टिका निर्देशो वैदिको स्वीकार्य, इष्टिका निर्देश तो वैदिक स्वीकार्य है, वचनम अंतरेण अन्य विनियोक्तुम न शक्यन्ते, लेकिन अन्य जो चीजें हैं वो वचन के बिना नहीं ली जा सकती हैं, तस्मात् लौकिकेन पाकः कर्तव्यः, इसलिए कुछ कहा नहीं गया, इसलिए लौकिक में ही होना चाहिए,
निर्मथ्येन निर्मन्थ्येन इष्टकाः पच्यन्ते ये वचन है इति एकेषां सोन्भवेत विधि तो नियम विधि के लिए ऐसा कहा जाता है कुछ के मत में ये विधि है अनु अवगत विधि नियम विधि सा अन्ववेत विधि मतलब वो अन्ववेत है अनुगत अवगत है पीछे से कही गई है निर्मथ्ये न इष्टकाः पच्यन्ते तो निर्मथ्य से ही होंगे कुछ के मत में तो अब इनका जो निष्कर्ष है इसमें कि लौकिक अग्नि से हो तो निर्मथ्य लौकिक अग्नि से होगा मत के तो होगा लेकिन लौकिक अग्नि से होगा ईंटों का पाक जो होगा वो याक की जो अग्नि है उसमें नहीं होगा लौकिक अग्नि होगी लेकिन मत करके होगी वो साथ में जुड़ा हुआ है कुछ जगह ये निर्मन्थेन इष्टकाः पच्यन्ते ये जो वचन मिलता है इसके आधार पर वो कह रहे हैं कि मंथन के बाद ही उसमें होना चाहिए आगे ये जो है ना तो इति एकेषां सा अन्ववेत विधि सोन्ववेत विधि सो सा सो नु अनु अनु अवेत विधि ठीक है पीछे पीछे आई हुई विधि है अनु अवगत विधि है उसके साथ साथ ये भी बता दिया गया है कि वो निर्मन्थे में होना चाहिए अतिरिक्त कथन कर दिया गया है अगला अधिकरण इष्टका शब्दात दूर्वादिषु निष्टका धर्माः तो इष्टका शब्द दूर्वादि में भी इष्टका शब्द आता है आगे बताएंगे लेकिन उसमें इष्टका के धर्म नहीं आते न इष्टका धर्मा ये सिद्धांत पक्ष है पूर्व पक्षी कह रहा है मृण्मयी नाम इष्टका शब्द तासाम एतन नामधेयम यथा लोके तो पीछे जैसा सिद्धांति ने कहा था मिट्टी वाली जो है उसी में ईट शब्द का प्रयोग होता है मृण्मयी नाम इष्टका शब्द तो तासाम एतत नामधेयम उसी में ये नाम होता है जैसा कि लोक में कहा गया है तो इष्टका शब्द संयोगिनो ये धर्माः तो इष्टका शब्द से जिसको कहा लेकिन इष्टका कहने से जो धर्म उसके साथ साथ आते हैं जो उसके गुण हमें प्रतीत होते हैं धर्म होते हैं वे तो इष्टका शब्द संयोगिनो ये धर्मा ते किम हिरण्यादिषु कर्तव्य न इति संदेह तो मिट्टी की नहीं अन्य जो हिरण्य आदि से बनी हुई ईटें उसमें ये प्रयोग किए जाने चाहिए या नहीं किम प्राप्तम न कर्तव्य सिद्धांत पूर्व पक्षी का मत है कथम इष्टकादेशेन यानी इष्टकोद्देशेन विधिना सम्मार्गवत ग्रहे इष्टका का उद्देश्य करके विधि की गई है तो सम्मार्ग के समान होगी इष्टका शब्द से मृण्मयीषु एव दृष्टत्वात् क्योंकि जहां देखी जाती है वहीं पर होगी तो मृण्मयी जो होगी उसी में यह होगी विधियां सत्यपि कार्य प्रयुक्तत्वे कृतद्वार समन्वया धर्माणाम इति ये स्पष्ट है वाक्य तो लेकिन सत्यपि कार्य प्रयुक्तत्व कार्य में प्रयुक्तत्व होने पर भी कृतद्वार समन्वयात तो समन्वय की दृष्टि से धर्मों के इसके वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं है कृतद्वार समन्वयात धर्माणाम इति इतरथा इष्टका श्रुतिर अविवक्षिता स्यात् नहीं तो इष्टका की श्रुति ही अविवक्षित हो जाएगी ये जो है धर्माणाम समन्वयात जो है धर्मों का समन्वय कब होता है कार्य में प्रयुक्तत्व होने पर सत्यपि कार्य प्रयुक्तत्वे कृतद्वार समन्वयात धर्माणाम धर्मों का जो समन्वय होता है वो कैसे होता है कृतद्वार कैसे होता है कार्य में प्रयुक्तत्व होने पर होता है अगर वो धर्म वहां होने से कार्य में कोई अंतर नहीं आ रहा है तो धर्म वहां पर नहीं आना चाहिए और नहीं तो का मतलब है कि यदि कर्म प्रयुक्तत्व ना हो उन धर्मों का उनका जो अन्वय हो रहा है समन्वय हो रहा है वो बिना कार्य प्रयुक्तत्व के बस वैसे ही वो धर्म आ गया कार्य में कोई लेना देना नहीं है उस धर्म का ऐसा यदि हो तो
इतरथा इष्टका श्रुतिर अविवक्षिता स्यात्। फिर तो इष्टका का श्रुति ही अविवक्षित हो जाए, जब इष्टका के धर्म वहां काम में नहीं आ रहे वैसे ही हैं, तो फिर इष्टका शब्द का कथन ही वहां पर अन्वित हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। दृष्ट प्रयोजन, दृष्ट प्रयोजन तस्मात हिरण्यादौ निष्टका धर्म इति प्राप्ते ब्रूम। हिरण्य आदि में इष्टका के धर्म प्राप्त नहीं होते। इस पे सिद्धांत कहता है सर्वेशाम वा सर्वगामित्वात्। सर्वेशाम मतलब सब धर्मों का सर्वगामित्व होने से सब जगह प्राप्त होंगे। कार्य सामान्याच्च सर्वैर सर्वे धर्माः कर्तव्य। इसमें सर्व ही लिखा हुआ है, सर्वैर धर्मा, सर्वे धर्मा हो यहाँ पर, सर्वे धर्माः कर्तव्य। कार्य के सामान्य होने से सभी धर्म करने चाहिए। सश्रेष्ठकम अग्निम चिनुते इति सर्वम गामिनम इष्टका शब्दम दर्शयति। तो 1000 ईंटों वाले अग्नि का चयन करता है तो सबका, सबको प्राप्त होने वाले इष्टका शब्द को दिखाता है, यानी वो इष्टका शब्द इन सभी हजार के ऊपर घटेगा। चयन साधने भी इष्टका शब्द कार्य सामान्यात प्रवर्तते। चयन का जो साधन है उसमें भी इष्टका शब्द का कार्य के सामान्य से प्रवर्तन हो जाता है, उसको भी इष्टका कह देते हैं। लिंगाच्च, और इससे इससे लिंग से भी पता लगता है। कैसे? घृतेष्टकाम उपदधाति। तो घृतेष्टकाम जो है वो घृत मंत्र है। अब इष्टका तो नहीं होती है वो, लेकिन फिर भी कह दिया गया घृतेष्टकाम उपदधाति। तो घृत मंत्रेण उपदधाति, हिरण्येष्टकाम उपदधाति, इसमें हिरण्य मंत्र से। इसी तरह दूर्वेष्टकाम उपदधाति, ये छिद्र के पूरण के लिए है। तो दूर्वा को रखा जा रहा है, तो दूर्वा वास्तव में तो इष्टका नहीं है, लेकिन इष्टका की तरह वहां पर चयन किया जा रहा है, तो उसको दूर्वेष्टका, इष्टका शब्द का वहां प्रयोग किया गया, दूर्वेष्टकाम दधाति। आगे यद इष्टकाया आतृणम अनुपदध्यात् पशुनाम च यजमानस्य च प्राणम अपि दध्यात् इति तासु इष्टका शब्दम दर्शयति। इन इनमें भी इष्टका शब्द का प्रयोग देखा जा रहा है, तो इष्टका शब्द का प्रयोग है तो उसके धर्म भी वहां पर आने चाहिए, सिद्धांति का कहता है। अगर ये इष्टका के आतृण को अगर वह नहीं रखता है तो पशुओं और यजमान के प्राण को भी नष्ट कर देता है, ढक देता है, निंदा में कहा जा रहा है। इति तासु इष्टका शब्दम दर्शयति। तस्मात इष्टका धर्मा अमृणमयेषु अपि कर्तव्या। इष्टका के जो धर्म है वो अमृणमय में भी करने चाहिए। नवा अधिकरण है। अब ये जो इष्टका के धर्म पीछे कहे अन्यों में भी करने चाहिए, तो वहां पर सिक्ता का भी प्रयोग किया जाता है बीच बीच में, कहते हैं उसमें भी फिर इष्टका के धर्म करने चाहिए। तो सिद्धांति कह रहा है इष्टका धर्मा सिक्ता सुना भवंती। सिक्ता में, रेत में इष्टका के धर्म नहीं होते। पूर्व पक्षी अपनी पिछली शैली में कहता है सिक्तासु तया देवतम संख्या चात्रियेता। तो सिक्ता में उसी रीति से उनकी संख्या के अनुसार वहां पर आदर करना चाहिए, यानी धर्म होने चाहिए। तो आगे कहते हैं उत नीति विचार्यते किम युक्तम कर्तव्यम, करना चाहिए कथम स्थल साधनत्वात्, स्थल की का को साधन के रूप में लेने चे लेने से। तस्य च साधनत्वम कथम इति चेत पूर्णार्थत्वात्। स्थल का साधन वो बनता है स्थली का कि जहां जहां बीच में रिक्त स्थान होता है उसको भर दिया जाता है। यथा पशु शीर्षेषु दूर्वेष्टकासु च तया देवतम एवं सिक्तासु अपि प्राप्ते। तो जैसे पशु के शीर्ष होते हैं रखते हैं, या तो दूर्वा इष्टका जो ऊपर कही गई है उनमें भी जगह जगह होती है ना, वहां पर भी ऐसे ही सिक्ता में भी करना चाहिए। उसी देवता से वहां पर कर देते हैं, इसलिए सिक्ता में भी उसी देवता का कथन करते हुए उस तरह से कर देना चाहिए। तया देवता मतलब उसी देवता से युक्त हो, अलग से ये शब्द ऐसा है कि कुछ खोला नहीं गया यहाँ पर। हाँ, पशु सिर से यहाँ पे कहता है, पशुओं का शीर्ष जो होता है सिर, उसको कुछ वहां रखते होंगे,
बीच में पीछे भी आया था ना, तो पूर्ण करने के लिए उद्देश्य से तो कैसे चिति, ये चिति बनाने के लिए, चिति बनाते समय उसमें ये रखने की बात है। शांति धाम में मिट्टी के सब रख दिए थे, तो मिट्टी के रख देते हैं वो तो, और वो तो घट भी, घट के पशु को घट के रूप में ले लेते हैं या मिट्टी के बना देते हैं, पिंड चावल के पिष्टी के बना देते हैं, उसमें प्रतीक के रूप में रख देते हैं। हाँ, लेकिन वो बीच में रखे जाते हैं। कछुआ जीवंत डाल दिए थे हैं, कछुआ, कछुआ भी रखा था, एक जीवंत रखा था कछुआ। अच्छा, वो जीवित रखा, वो कहते हैं कि वो मिट्टी से निकल जाता है। अच्छा, सबसे नीचे रखा था, खोद के निकल जाएगा वो तो। यथा पशु शीर्षेशु दूर्वेष्ट कासु च तया देवतम एवं सिक्तासु इति प्राप्ते ब्रूमा। अब सिद्धांत कहता है सिक्तासु न संख्यादि कर्तव्यम अल्प विराम विप्रतिषेधात्। तो सिक्ता में जो संख्या आदि धर्म है वो नहीं करने चाहिए। संख्या भी एक धर्म है और भी धर्म है, तो संख्या भी धर्म है। तो संख्यायमानासु सिक्तासु अपरिमित शब्दों विप्रतिषिध्यते। अगर सिक्ताओं का हम परिसंख्यान करने लगेंगे तो अपरिमित शब्द वहां पर विप्रतिषिद्ध हो जाएगा, क्योंकि संख्या उसकी हम सिक्ता की क्या संख्या बताएंगे, गिन तो सकते नहीं है, अपरिमित ही बताएंगे, वो उससे विरुद्ध होगी सहस्त्र से। तथा सहस्रेष्टकम अग्निम चिन्वीत इति, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, सहस्रेष्ठ, यहां से सहस्रेष्टकम अग्निम चिन्वीत बंद कर लीजिए, इति सहस्राद बहिर्भूता सिक्ताश्च। तो ये तो सिक्ताएं तो 1000 से बहिर्भूत हो जाएंगी। आसु कथम संख्या से आदि थी, इसमें संख्या का प्रयोग करोगे कैसे आप, अर्थात इसमें वो धर्म नहीं आएंगे। 19वां सूत्र, चिति असंयोगाच्च, और इसका चिति से संयोग भी नहीं होता है। तो द्विन नेत्यु, ये विपरीत अल्पविराम में लीजिए वचन है, द्विन नेत्यु, अब चित्ते भी लिखा है उपदधाति, द्विन न इति उचित्य, या तो द्विन नेत्युपदधाति, उ को यहां तो आगे से जोड़ेंगे, अस्पष्ट है ये। तो ये जो वचन है इति चिति संयोगे न सिक्तासु परिश्रयति पूरयति इति तन निर्देशात्। तो चिति का संयोग तो है यहां पर, और सिक्ताओं में परिश्रयति और पूरयति ये निर्देश वहां पर मिलते हैं। परिश्रयति विपरीत अल्पविराम है, पूरयति विपरीत अल्पविराम है, परिश्रयति और पूरयति ये उसके लिए निर्देश मिलते हैं। तेन सत्यपि इष्टका शब्दे सिक्तासु तया देवतम नापि संख्या स्यादिति। तो सिक्ता में इष्टका शब्द के होते हुए भी सिक्ताओं में पूर्व के जो अन्य चीजें हैं उनके समान यहाँ संख्या नहीं होती, उसके धर्म के रूप में संख्या नहीं होती। इष्टका शब्द स्तुत्या सिक्तासु, क्योंकि सिक्ताओं में जो इष्टका शब्द है वो स्तुति से केवल किया गया है, वास्तव में वो इष्टका नहीं है। यथा चतुर्धा करणे दक्षिणा शब्द, जैसे चार बार विभाग करते हैं, ये दर्शपूर्ण मास में जो अनवाहार्य ओदन होता है तो चार ऋत्विकों में चार विभाग करके दे दिया जाता है, तो जो चतुर्था करण होता है ओदन का उसमें भी दक्षिणा शब्द का प्रयोग हो जाता है, कि दशपूर्ण मास में ये पर्याप्त ओदन ही दक्षिणा होती है, वास्तव में वो दक्षिणा है नहीं, लेकिन जैसे दक्षिणा को हम बांट करके देते हैं ऐसे ओदन को भी बांट के दे रहे हैं, तो इसमें दक्षिणा शब्द का प्रयोग हो जाता है गौण अर्थ में, ऐसे ही यहां सिक्ता के लिए भी है। 10वां अधिकरण, और ये इष्टका के धर्म किसमें नहीं होते हैं, और चिति में और भी चीजें रखी जाती हैं, जैसे सिक्ता को बीच बीच में भरने के लिए लेते हैं ऐसे और भी चीजें रखी जाती हैं, तो उसमें चरु भी होता है और औषधियां भी रखी जाती हैं पकी भी, तो उनमें भी इष्टका शब्द का प्रयोग, या तो उसमें इष्टका के धर्म होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि चिति में ही वो रखे जाते हैं, उसके ऊपर ये अधिकरण है। तो इष्टका धर्मा चरु सर्वौषधेषु न भवन्ति, सिद्धांती कह रहा है ना तो चरु में, चरु भी रखा जाता है, और सर्वौषध औषधियां जो मिला के रखी जाती हैं अनेक जो भी हैं उनमें भी इष्टका के धर्म नहीं होते। तो ये 20वां सूत्र सिद्धांती का ही है, चरु सर्वौषधम अनिष्टकम, चरु और सर्वौषध इनमें इष्टकत्व नहीं है, ये अनिष्टक है, ईंट ही नहीं कहलाएंगे ये।
क्यों चयने श्रूयते, चयन में ये वचन मिलता है, रौद्रम गवि दुकम चरुम एतेन यजुषा चरमायाम इष्टकायाम निदध्यात्। तो रुद्र देवता वाले गविदुख के बने हुए चरु को, गविदुख धान्य विशेष हो गया, तो रुद्र देवता वाले गविदुख, गविदुख से बने हुए चरु को एतेन यजुषा इस यजुष मंत्र से चरमायाम अंतिम जो है उसमें 1000वीं अंतिम जो इष्टिका है उसके ऊपर ईशान कोण में, वो 1000वीं होती ईशान में, ईशान कोण में 1000वीं रखी जाती है, ऐसा कुछ जो भी क्रम होता है उनका रखने का, तो वहां जाकर के पूरी होती है ऐसा। तो चरमायाम इष्टकायाम निदध्यात् उसके ऊपर इस चरु को रखते हैं, एक वचन हुआ। दूसरा कहते हैं तथा सर्वौषधम पचती वपति, सब औषधियों को पकाता है या वपता है इति, ये वचन हो गया। तत्र किम इष्टका धर्मा कर्तव्य नेति संदेह, ईट के धर्म करने चाहिए या नहीं, किम प्राप्तम, तो पूर्वशी कह रहा है स्थल साधनत्वाद इष्टकासु इव चरु सर्वौषधेपि कर्तव्य धर्मा इत्येवं प्राप्ते ब्रूमन। तो कहते हैं कि स्थल का साधना साधनत्व होने के कारण से, स्तंडिल जो चबूतरा बना रहे हैं उसमें ये भी साधन हो रहा है, तो ईंटों के समान चरु और सर्वौषध में भी ये धर्म करने चाहिए। इस पर सिद्धांती कहता है चरु सर्वौषधम अस्थंडिलावयवत्वात् अनिष्टकम्, चरु और सर्वौषध हैं ये स्थंडिल के अवयव नहीं है, अस्थंडिल अस्थंडिलावयवत्वात्, स्थंडिल के अवयवत् का अवयवत्व इनमें नहीं है, अस्थिल अस्थंडिलावयवत्वात्, स्थंडिल का अवयव न होने से, अवयवत्व नहीं होने से अनिष्टकम्, इनकी इनका ईंट बना है ही नहीं। कथम, उसको आगे कहते हैं प्रवृत्ति चरु निराधन निधानम चोते थे, अ को काट दीजिए, प्रवृत्ति का मतलब है कि प्रवृत्त हो जाने पर जो ईंटें लगनी थी वो सारी लग चुकी हैं, तो चयन चिति तो हो चुकी है पूरी, अंतिम ईंट भी रखी जा चुकी है, तो वो चयन वाली प्रक्रिया तो पूरी हो गई, तो कह रहे हैं कि प्रवृत्ति है, उसके प्रवृत्ति यानी पूर्ण हो जाने पर चरु का निधान यहां पर कहा गया है। चरमायाम इष्टकायाम अंतिम जो ईंट है उसके ऊपर अल्प विराम, औषधयो अनारब्धे एव स्थले, और औषधियां कब रखी जाती है, अनारब्ध स्थल में, जब ईंटों का चुनना प्रारंभ ही नहीं किया है, पहली ईंट भी नहीं देखी गई, उससे पहले भूमि पर रखी जाते हैं औषधियां, तो ये चयन से पहले है और वो चयन के बाद में है, इसलिए वो चयन का भाग ही नहीं है। तस्मात कार्यापत्य भावात् न कर्तव्य, कार्य की आपत्ति का अभाव होने से, कार्यापत्ति ही नहीं है उनमें चयन की, ये दोनों कार्य, ये दोनों चयन कार्य में संयुक्ति नहीं है, इसलिए इसमें इष्टका के धर्म नहीं करने चाहिए। चरम आयाम इष्टकायाम उपदधाति, चरम मतलब जो अंतिम ईंट ऊपर रखी जा रही उसके ऊपर डाल रहे औषध, उसके ऊपर डाल रहे हैं, फिर 1000वीं जो ईंट है अंतिम ईंट, 1000 वाले को मान के करें, उसकी जो अंतिम ईंट है उसके ऊपर ईशान कोण में, तो औषधयो अनारब्धे एव स्थले, हाँ, जब चयन प्रारंभ भी नहीं किया है, पहली ईंट भी नहीं रखी गई है, अभी कुछ भी नहीं, एक भी ईंट नहीं रखी गई है, तो चरु तो सबके अंत में रखा गया और ये प्रारंभ होने से पहले रखा गया, तो ये उसके भाग नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं चयन के, पहली ईंट और अंतिम ईंट के बीच में अगर कहीं रखे जाते तब तो उसका भाग कह सकते थे, जैसे कि ये दुर्वेष्ट का दूरवा है, हिरण्य है या घट है, ये पशु शीर्ष है इत्यादि, जो ये जो चीजें हैं ना ये बीच में रखी जाती हैं, तो इसको तो इष्टका के समान मान करके उनके धर्म की बात वहां पर देख ली थी इन्होंने, लेकिन इसमें भी इष्टका धर्म नहीं है, इष्टका शब्द है वहां पर, इष्टका शब्द है, इष्टका के धर्म नहीं है, लेकिन इसमें तो इष्टका शब्द भी नहीं है। हो गया, आगे इसी तरह से नैऋतिषु, नैऋति देवता वाली जो इष्टिकाएं पीछे आई थी ना, कृष्ण वर्ण की होती है, तुषा तुष से दग्ध होती है, तुष से पकाई जाती है और कृष्ण वर्ण की होती है, वो जो नैऋति देवता वाली ईटें हैं उनके संदर्भ में आप कह रहे हैं कि इष्टका धर्म नैऋतिषु न भवंती, उन ईटों में भी ये इष्टका के धर्म नहीं होंगे। तो ग्यारहवां अधिकरण, ये 21वां सूत्र पूर्व पक्षी का, नैऋतिष्टके इष्टका शब्द विधानात् तया देवतम स्यात्।
पूर्व पक्षी कह रहा है कि नैऋत्य नैऋत्य इष्टका नैऋत्य इष्ट में इष्टका शब्द का विधान है इसमें, तो इसलिए तो उसमें उससे संबंधित देवता वाले या उनसे संबंधित जो धर्म है वो होने चाहिए। उसके लिए वचन बता रहा है नीचे भाष्य में, नैऋति ही रक्ता नैऋति ही अक्ता उपदधाति अक्त। तो ये वचन से नैऋति देवता वाली ईटें हैं, तत्र किम तया देवतम कर्तव्यम न इति संचय, उससे संबंधित जो कर्म है वो करने चाहिए, यानी किम प्राप्तम स्यात् तया देवतम, कैसे उपधान कर्मण शब्देन विधानात् अल्पविराम, क्योंकि इसमें ऊपर उपदधाति लिखा है तो ईंटों को भी उपदधाति धर्म से कहा गया, इसको भी कहा गया है, तो ये भी इसके में भी वो धर्म होने चाहिए। तो उपधान कर्मण शब्देन विधानात् नैऋति ही उपदधाति इति, नैऋति ही उपदधाति, ये इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, नैऋति ही उपदधाति। आगे स्थलावयवत्वा न इति चेत, बोले ये तो स्थल का अवयव होने से इसको नहीं कह सकते, लेकिन वो कहते हैं उपदधाति इति निर्देशात् तस्मात् स्यादेव तया देवतम इति प्राप्ते। इस पर सिद्धांती कहता है न वा स्यात् निधानस्य अविवक्षितत्वात्, ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये जो निधान है सन्निधान उपदधाति ये अविवक्षित है। तो इन्होंने नीचे जो व्याख्यान किया है भाष्य है इसमें उखाशिक्य निधानस्या विवक्षितत्वाद इत्यर्थ, उखाशिक्य लेकर के किया, जो वो गले में बांधते हैं अग्नि धारण के लिए, उसके निधान के अविवक्षित होने से ऐसा कथ अभिप्राय है। अविवक्षितत्वात् मतलब निधानस्य अविवक्षितत्वात्, नहीं निधानस्य अविवक्षितत्व तो लिखा ही है न वास्यात्, लेकिन किसका, तो उखाशिक्य ये इन्होंने अध्याहार किया यहाँ पर, अथवा दूसरे ढंग से कह रहे हैं इष्टका संस्कारस्य अविवक्षितत्व, इष्टका के संस्कार यहाँ पर विवक्षित नहीं है, क्यों, उभयथा अविवक्षित समर्थत्वात् गौण उपदधाति, दोनों ही प्रकार से अविवक्षित समर्थता होने से, अविवक्षित समर्थता होने से जो उपदधाति है ये गौण है, तस्मात् तत्र न धर्मः कर्तव्य, इसलिए वहां पर धर्म नहीं करने चाहिए। समर्थता जो है ईंट की वो यहाँ पर नहीं है, दोनों तरह से अविवक्षितता, यानी पहली तो इन्होंने ऊपर कही थी उखाशिक्य निधानस्य अविवक्षितत्व, निधान की एक तो ये हो गई, और अथवा कहकर जो कहा इष्टका संस्कारस्य अविवक्षितत्व, ये संस्कारों की भी अविवक्षा कही, तो उभयथा का मतलब यहाँ पर ये पहला और दूसरा दोनों को लेने, उभयथा अविवक्षित समर्थत्वात् गौण उपदधाति, उपदधाति शब्द तो गौण प्रयोग है। अब एक वचन आगे आएगा सहस्रम चिन्वीता, उसके संदर्भ में कह रहे हैं कि इसमें ये सहस्र शब्द किसको कह रहा है, तो शीर्षक है अग्नि चयन है, अग्नि चयन में जो सहस्रम चिन्वीता इति सहस्र शब्द, इसमें जो सहस्र शब्द है न क्रतुपरक, ये क्रतुपरक नहीं है, इसमें इनमें ये विवाद है दोनों में, कि एक कहेगा कि यह क्रतुपरक है, एक कहेगा कि अग्नि अग्निपरक है, अग्नि मतलब वो चितिपरक है, एक चितिपरक कह रहा है, एक क्रतु यानी तो कर्मपरक कह रहा है। ये सहस्र शब्द कहाँ घटेगा, सहस्र तो एक शब्द संख्या हो गई, धर्म हो गया, विशेषण हो गया, ये कहाँ पर घटना चाहिए, कर्म में घटना चाहिए अथवा तो अग्नि में चिति में घटना चाहिए, ये यहाँ पर विचार का विषय है। तो सिद्धांति का मत है कि ये क्रतुपरक नहीं है, ये चिति यानी अग्निपरक है। भाष्य बारहवां अधिकरण का 23वां सूत्र, सूत्र देखिए पूर्व पक्षी का है साहस्रम चिन्वीत प्रथमम चिन्वान, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, साहस्रम चिन्वीत प्रथमम चिन्वान, प्रथम चयन करता हुआ सहस्र से चयन करे पहली बार का, इति कृत्वाधिकारो अग्नि संयोगात यथा सहस्रेण ईजान इति, ये कृतु का अधिकार है, क्यों है, क्योंकि अग्नि संयोगात, यहाँ पर अग्नि का संयोग है, अग्निम चिन्विता सहस्र, तो जैसे कि यथा सहस्रेण ईजाना, सहस्र से यजन करते हुए, तो जो सहस्र से यजन करते हैं वहां पर क्रतु के साथ कैसे संबंध करते हैं, कि उसका दक्षिणा से संबंध जोड़ते हैं, सहस्र संख्या को दक्षिणा से जोड़ते हैं और दक्षिणा क्रतु से जुड़ी हुई है, तो जैसे वहां पर है ऐसे यहां पर भी होना चाहिए। भाष्य
कृत्वाधिकारोऽयं साहस्र आहुस्वित अग्न्यधिकारायति। तो कृतु का अधिकार है, कृतु के संदर्भ में है या अग्नि के। किम युक्तम, पूर्व पक्षी कह रहा है कृत्वाधिकारायति। प्रथमो अग्नये संयुक्त क्रतु, प्रथमो संयुक्त क्रतु सहस्र दक्षिणत्वेन विवक्षते। इसको यूं कीजिए, प्रथमो अग्नि संयुक्त क्रतु, ऊपर जो कहा गया था ना साहस्रम चिन्वीत प्रथमम चिन्वाना, प्रथम चयन करते हुए, तो उसके लिए इसने कहा कि जो प्रथम है वो अग्नि से संयुक्त क्रतु है। सहस्र दक्षिणत्वेन विवक्षते, यहाँ सहस्र प्रथम करें मतलब सहस्र दक्षिणा, इस तरह से वहां पर विवक्षित होना चाहिए। शक्यते चक्रतु सहस्र दक्षिणश चिनोतिना गुण शब्देन अभिधातुम, नुम की जगह तुम, और ये जो क्रतु है सहस्र दक्षिण वाला, दक्षिणा वाला, चिनोति शब्द से, चिनोति इस गुण शब्द से कहा जा सकता है। यानी वहां पर तो चिनोति शब्द है ना, चिन्वाना, चिन्वीता, सहस्रम चिन्वीता, प्रथमम चिन्वाना, तो भाई चुनना क्रतु का वाचक कैसे है, बोले गुणवाचक है, चयन भी उसमें होता है, इसलिए ये उस क्रतु का वाचक हो सकता है गुणवाचक होते हुए भी। उसके लिए कहता, कह रहे हैं यहाँ पर कि शक्यते च क्रतु सहस्र दक्षिण चिनोति ना गुण शब्देन अभिधातुम, यथा उदाहरण दे रहे हैं एका एव यजेत सहस्रेण ईजाना, सहस्र से यजन करता हुआ एक ही यजन करे। तो जैसे ये भी यजन जो, यज जो है वो क्रतु का वाचक हो जाता है, ऐसे ही चयन जो चिन्हवित है ये भी क्रतु का वाचक हो जाएगा, और उसके साथ हम सहस्त्र शब्द को जोड़ देंगे और वो दक्षिणा के अर्थ में घट जाएगा। इस पर सिद्धांती कहता है 24वां सूत्र, अग्न्यधिकारो वा चयन संयोगा अल्प विराम, यथा जानुदग्नम चिन्हवित प्रथमम चिन्वाना इति। जानुदग्नम यहां से विपरीत अल्प विराम में लीजिए, प्रथमम चिन्वाना यहां बंद कर लीजिए। बोले चयन का संयोग होने से ये अग्नि का यानी चिति का ही अधिकार है। क्यों? क्योंकि वहां पर ये जानुदग्नम चिन्वीता, जानु पर्यंत चयन करे घुटने तक, प्रथम चयन करता हुआ, तो ये जो कथन हुआ इससे क्या पता लगता है कि ये क्रतु का वाचक नहीं है, ये चिति का, अग्नि का वाचक है। अग्निरेव सहस्रेण अधिक्रियेत, अग्नि ही सहस्र इस शब्द से अधिकृत होगी, यानी विशेषण ये अग्नि का बनेगा। मंत्रे चयन प्रत्ययेन सहस्रवान सहस्र इति, और मंत्र में भी जो चयन का ज्ञान होता है वो सहस्रवान, जो सहस्रवान है वो साहस्र इति, सहस्र वाला जो है उसको साहस्र कहते हैं, सहस्रवान को ही साहस्र खोला है। चिनोति ना च अस्मत् पक्षे श्रुत्या चयनम आह, तो चिनोति शब्द से हमारे पक्ष में तो श्रुति से चयन को कहा जा रहा है, और तत्पक्षे लक्षणया तुम्हारे पक्ष में, तुम जो क्रतु अर्थ निकाल रहे हो वो चिनोति इसे चीय धातु से आप लक्षणा से निकाल रहे हो, श्रुति लक्षणा तो ज्यायसी, तो श्रुति बलवती होती है लक्षणा से। आगे कहते हैं विपरीत अल्प विराम में लीजिए, जानुदग्धम चिन्वीता प्रथमम चिन्वाना, बंद कर लीजिए, इति असंदिग्धो अग्न्यधिकार, ये जो वचन है इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, ये अग्नि का ही अधिकार है, चयन का ही अधिकार है, क्रतु का नहीं है। तेन शब्द सामान्यात अग्नि विषयत्वेन नियम्यते इति, तो शब्द के साम्य से ये अग्नि विषय में ही नियमित हो जाएगा। यानी जानुदग्नम चिन्वित, यहां तो चयन के लिए है, तो ये चिन्वित शब्द वहां पर भी आया है, तो वह सहस्र शब्द इसी में घटेगा, शब्द साम्य से नियमन हो जाएगा। यदुक्तम सहस्रेण ईजाना इति कृत्वाधिकार इति, सहस्रेण जाना इसको विपरीत अल्प विराम है, ये जो आपने कहा था, पूर्व पक्षी ने उदाहरण दिया था, तो बोले ये तो क्रतु का अधिकार है। क्यों? तत्र, अत्र लिखा है यहां पर, अत्र कह लीजिए, तत्र चिनोति इति धातु अश्रवणात अदोष, बोले वहां पर तो चिनोति धातु ही नहीं सुनी गई है, यहां तो चिन्वित है, चिन्वाना है, यहां तो केवल इतना था सहस्रेण जाना, इसलिए चिन्वित चिन्ह धातु है ही नहीं, इसलिए वहां तो कोई आपत्ति नहीं है, धातु श्रवण की, धातु के अश्रवण होने से यहां पर दोष नहीं है, यहां तो धातु श्रवण हो रही है चिन्ह धातु, इसलिए यहां ऐसा अर्थ नहीं ले सकते। 13वां अधिकरण, अब ये सहस्र शब्द क्रतु परक तो नहीं हुआ, ये अग्नि या तो चिति परक हुआ, लेकिन ये सहस्र शब्द किसमें घटेगा, किसमें घटाना चाहिए, तो यहां इस अधिकरण में कह रहे हैं कि ईंटों के ऊपर घटाना चाहिए, ईंटों पर घटेगा,
इसलिए शीर्षक दिया इन्होंने अग्नि चयन सहस्रम सहस्रम चिन्हवीता इति, सहस्र शब्द इष्ट का पर एवा, ईंट के पर की ये शब्द है। तो 25वें सूत्र में पूर्व पक्षी अपनी बात को रख रहा है, दक्षिणा भी सहस्र यथा कर्तवः, बोले दक्षिणा से ये सहस्र शब्द होता है, जैसे कि कर्तु होते हैं इतनी दक्षिणा वाले, वो फिर दक्षिणा पे ले जा रहा है। सहस्रम चिन्हवीत है प्रथमम चिन्हवान इति दक्षिणा भी सहस्रत्व उत इष्टका भी इति संदेह, तो दक्षिणा से सहस्रत्व है या इष्टकाओं से सहस्रत्व है ये देखने की बात है। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है यथा क्रतोर्गुणो अग्नि तद्वत दक्षिणा द्वारेण इति प्राप्ते ब्रुवान, जैसे अग्नि क्रतु का गुण है, अग्नि मतलब वो चिति, वो अग्नि का इसका क्रतु का गुण है, ऐसे ही दक्षिणा के द्वार से भी, दक्षिणा की रीति से भी ये जो सहस्र शब्द है ये क्रतु का गुण हो जाएगा, वो दक्षिणा में लग जाएगा। इस पर सिद्धांत कहता है इष्टका भिर्वा द्रव्य सन्निधानात अल्प विराम यथा सहस्र प्रासाद इति, तो ईटों के द्वारा ही ये होना चाहिए, लगना चाहिए सहस्र शब्द, क्योंकि द्रव्य का सन्निधान है, उस वर्णन में ईटों का ही वर्णन आ रहा है। जैसे कि सहस्र प्रासाद, ये 1000 ईंटों वाला महल है, ऐसा जब कथन किया जाएगा सहस्र प्रासाद है, तो वहां ईंटें ही ली जाती हैं। सहिताभिर इष्टका भी सहस्रत्वम चिते है तद अतिक्रमे कारणा भावात, तो ईंटों के साथ ही सहस्रत्व वहां चिति का होता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तद अतिक्रमे यानी ईंटों का अगर हम अतिक्रमण करने उस करें तो उस विषय में कारणा भावात, कारण का भाव है, इसको हम क्यों हटाएं, ईटों को क्यों ना माने, इस ईटों को हटाने में और कोई कारण नहीं है, यानी ईट को ही मानना चाहिए, कोई कारण होता तो हटा देते। अवयव निमित्तस्य च समुदाय शब्दस्य च प्रवृत्ति दर्शनात्, अवयव निमित्त वाले समुदाय शब्द की प्रवृत्ति के देखे जाने से, अवयव जिसके कारण है उसके द्वारा भी समुदाय शब्द की प्रवृत्ति देखे जाने से, जैसे कि यथा सहस्र स्तंभ प्रासाद सहस्र इति विपरीत अल्प विराम, तो 1000 खंभों वाला जो प्रासाद है उसको सहस्र कह देते हैं। अब सहस्र शब्द तो वैसे अभी अभी यानी प्रासाद के लिए कहा जा रहा है, महल के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ये अवयवों के आधार पर भी उसका नाम रख दिया गया, जबकि अवयव तो केवल खंभे ही तो नहीं है, उसमें और भी चीजें हैं बहुत सारी, लेकिन फिर भी खंभे के आधार पर नाम रख दिया जाए 1000 सहस्र प्रासाद सहस्र, ऐसा ही केवल नाम रख सकते हैं उसका। तो यथा सहस्र स्तंभ प्रासाद सहस्र इति, इसको जो पीछे इन्होंने कहा ना अवयव निमित्तस्य च समुदाय शब्दस्य च प्रवृत्ति दर्शन, समुदाय शब्द की प्रवृत्ति देखी जाती है, ये प्रासाद शब्द समुदाय हो गया, किससे, अवयव निमित्तक ये शब्द है। आगे इति अंत, ये विपरीत अल्प विराम में लीजिए, अंतरंगेष्टकाभि बंद कर लीजिए, इति कारक श्रुत्या उपनीत द्रव्य संबंध, अंतरंग इष्टका भी, ऐसे देखिए अंतरंग इष्टका भी ही, तो इष्टका भी ही ये तृतीय बहुवचन को की दृष्टि से ले रहे हैं कारक विभक्ति से, इति कारक श्रुत्या उपनीत द्रव्य संबंध, जो द्रव्य वहां लाया गया उसके साथ में संबंध है, वहां कुछ ला ला करके वहां पर जोड़ा गया है, उसके साथ सहस्र शब्द जुड़ेगा, तस्मात इष्टका भी सहस्रत्व, ईंटों के कारण उसका सहस्रत्व है, उसी का धर्म माना जाएगा इष्ट का फर्क। आगे अब इसमें इष्टिकाओं को रखते समय जो मंत्र बोले जाते हैं उस मंत्र के बारे में चर्चा है कि किससे संबंधित है, तो शीर्षक है अग्नि चयने सहस्रस्य प्रमा असी, सहस्रस्य प्रमा असी ये विपरीत अल्प विराम में लीजिए मंत्र का भाग है, नीचे आगे भाष्य में दिया हुआ भी है सहस्रस्य प्रमा असी, ये जो वचन है इति मंत्र सर्वचित्यंगम, सब चिति का अंग है, सबका अंग है, तो पूर्व पक्षी ने कहा सहस्रे शब्द संयोगा, सहस्र में शब्द का संयोग होने से, तो इसमें जो मंत्र है सहस्रस्य प्रमासी
ये प्रोक्षण लिंगक मंत्र है, प्रोक्षण को बताने वाला है। तो सहस्र से प्रमासी अयम मंत्र किम साहस्रे एव चितौ प्रयोक्तव्य, कि जो 1000 ईंटों वाली चिति होगी, अग्नि होगी, वहीं पर ही प्रयोग करना चाहिए इस मंत्र का प्रयोग, क्योंकि सहस्र से प्रमासी लिखा हुआ है, तो 1000 वाली ही चिति हो वहीं इसका प्रयोग करना चाहिए। आहोस्वित अविशेषेण इति संधीयते, अथवा अविशेष रूप से कितनी भी वाली चितियां हैं, कितनी भी ईंटों वाली चितियां हैं, उसमें भी प्रयोग होगा। 1000 से अधिक जो है उसमें भी प्रयोग करना चाहिए, 1000 वाला तो होगा ही, अब 2000 आदि 3000 जितना भी आगे बढ़ता जाएगा उनमें भी इस मंत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए या नहीं, ये विषय है। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहे सहस्र पक्षे एव इति, जब सहस्र चिति होगी तभी इसका मंत्र का प्रयोग होना चाहिए। कुतः लिंगात, लिंग है, क्या लिंग है, सहस्र शब्दो, ये जो सहस्र शब्द है यही लिंग है। न द्विसहस्रम शक्नोति प्रत्यायितुम, जो सहस्र शब्द है वो 2000 या 3000 को नहीं जना सकता है, संकेतित नहीं कर सकता है। प्रकरणात अविशेषण अभिनियोग, तो इसमें अगर कोई कहे कि इसका आप अगर अविशेष रूप से विनियोग करोगे, जैसा कि दूसरा पक्ष था अविशेष रूप में ग्रहण होगा, तो उसका आधार क्या होगा, तो बोले प्रकरण से हो जाएगा, कि प्रकरण में 1000 वाली भी है, 2000 वाली भी, 3000 वाली भी, तो उस प्रकरण के अनुसार इस मंत्र का प्रयोग सबके लिए हो सकता है, तो हेतु जो बनेगा तो वो मंत्र के प्रकरण के आधार पर बनेगा। तो प्रकरणात विशेष, प्रकरणात अविशेषण विनियोग, और जो पूर्व पक्षी अपने बात रख रहा है कि 1000 वाले में ही, तो कहा लिंगात सहस्र पक्ष, सहस्र के पक्ष में जो रहा है वो तो लिंग से निर्णय कर रहे हैं, आप प्रकरण से करोगे, लिंगम चक प्रकरणात बली है, लिंग प्रकरण से बलवान होता है, इसलिए 1000 वाले में ही इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। इति प्राप्ते ब्रूमा, अब सिद्धांती बोलता है 28वां सूत्र, सर्वेषु वा समरिहाणात् श्रूयते, अल्पविराम, यथा शतार्घः पुरुष इति, तो सभी में समरिहाणात् समान रूप से वहां पर 1000 के होने से, संयुक्त होने से, देने से वहां पर सुना जाता है, जैसे कि शतार्घः पुरुष, ही लौकिक उदाहरण दिया, जो 100 के तुल्य हो वो शतार्घः पुरुष कहलाता है, शतेन तुल्य शतार्घः, 100 मूल्य वाला, 100 से अधिक होता है तो भी 100 मूल्य वाला के अंतर्गत आता है। कहते हैं कि मान लो ये गाड़ियां हैं, तो गाड़ियां लाखों की तो खैर आती ही है, मान लो कोई करोड़ की आती हो, या बंगले करोड़ के हों, लाखों के तो होते ही हैं, करोड़ों के हों, तो बोले करोड़ वाले हैं, अगर करोड़ वाले हैं का मतलब वो एक ही करोड़ नहीं है, अगर करोड़ और करोड़ से ज्यादा वाले हैं, ऐसे बंगले कम वाले हैं, लाखों वाले नहीं है, तो जब कहते हैं ये 1000 वाले हैं, मतलब ये नहीं कि वो 1000 ही है, 1000 से अधिक वाले हैं, ये लाख वाले हैं, लाख लाख से मतलब जिसकी गणना लाखों में की जाती है वो ये है, उस तरह से यहाँ पर लेना चाह रहे हैं। तो यथा शतार्घः पुरुष इति, भाष्य देखिए, वेति पक्ष व्यावृत्ति ही सर्वचिति प्रयोक्तव्यो मंत्र, सब चितियों में ये मंत्र प्रयोग किया जाना चाहिए, सम रिहणाश्रवणात्, म को पूरा कर सकते हैं जैसे कि ऊपर सूत्र में लिखा है समरिहाणात्, तो समरिहाणा श्रवणात्, समरिहाण का श्रवण होने से, रिहाण का मतलब ऐसे लेंगे कि सहस्रम संहृतम अस्ति, मतलब सहस्र इसमें जुड़ा हुआ है, सहस्र से कम नहीं हो सकता है, सहस्र से अधिक भले ही हो वो, सहस्र शब्दो गौण वृत्त्या सर्वचितिषु सहस्र सम्मित, सहस्र सम्मिते इति एवम इति, ये जो सहस्र शब्द है ये गौण वृत्ति से सभी चितियों में, कैसी चितियां, जो सहस्र सम्मित है, कम से कम 1000 जिसमें है उनके अंदर लग जाएगा। शतेन तुल्यः शतार्घः पुरुष इतिवत् स्तावकत्वेन उपपद्यते वेति, तो 100 के तुल्य जो है वो शतार्घः पुरुष कहा जाता है, ऐसे ही स्तावकत्व के रूप में यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा। अपि च उपपद्यमाने च अपेक्षितत्वे, अल्पविराम, न पाक्षिकम कल्प्यम, और अपेक्षित तत्व के एक उपपद्यमान संगत हो जाने पर पाक्षिकत्व इसमें कल्प्य नहीं होना चाहिए, कि एक पक्ष में होगा और एक पक्ष में नहीं होगा, मैंने नियत रूप से सभी में ये लग जाएगा।
आगे 15वां अधिकरण। अब इष्टिकाओं को रखते हैं, उसमें मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, मंत्रों की संख्याएं होती हैं, तो यदि अधिक मंत्र हो तो क्या करें, वो विषय यहां पर लिया गया है। तो इष्टकोपधाने मंत्राधिक के, ईटों को रखने में यदि मंत्रों की संख्या अधिक हो रही हो तो चयनानंतर प्रयोगे, चयन के बाद में उन मंत्रों का प्रयोग हो सकता है, अवशिष्ट मंत्राणाम उपयोग। चयन के बाद में जो कुछ कर्म होते हैं वहां कहीं उन अधिक मंत्रों का उपयोग हो सकता है। इस पर 29वें सूत्र में पूर्व पक्षी कहता है, सहस्रेष्टकम अग्निम चिन्हवीत, ये विपरीत अल्प विराम में बंद कर लीजिए, इति अग्नि को है ये 1000 ईंटों वाली चयन करे, ये वचन आ गया। इति लोकम प्रिणा मंत्र परिमाणान नाना मंत्रा उभयस्य साहस्रा तदे तस्मात् विप्रतिषिद्धम्। तो इसमें लोकम प्रिणा मंत्र भी होते हैं, जो पूरण करने वाले ईंटें होती हैं उसके लिए भी अलग से मंत्र होते हैं। तो लोकम प्रिणा जो मंत्र है उनके परिमाण से ये नाना मंत्रा और अधिक मंत्र होते हुए उभय से दोनों मिलकर के सहस्रा तदे तस्मात अविप्रतिषिद्धम, तो दोनों मिलकर के वो अधिक होते हैं, 1000 से भी अधिक हो जाते हैं, तो इसलिए ये विप्रतिषिद्ध हो जाता है। भाष्य, किम लोकम प्रिणानाम एव इष्टकानाम सहस्रम आहोस्वित, सकार जोड़ लेना, आहोस्वित नाना मंत्राणाम। तो लोकम प्रिणानाम, लोकम प्रिणा मतलब यहाँ ये ऋचा के लिए कहा जा रहा है, लोकम प्रिणानाम ऋचाम, उनकी जो ईंट है वो उसी उन्हीं लोकम प्रिणा मंत्रों से ही 1000 करे अथवा नाना मंत्रों से करे, अन्य जो मंत्र है उनसे भी करे। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है लोकम प्रिणा मंत्रोपधेया एव सहस्रम भवेयु, अल्प विराम, लोकम प्रिणा मंत्रों से ही रखने वाली वो सहस्र होनी चाहिए, यानी अन्य मंत्र नहीं लेने चाहिए, भिन्न मंत्र नहीं लेने चाहिए। नाना मंत्रास्तु उभयस्य सहस्रम, अन्य मंत्र जो हैं वो तो दो मिल करके, उभयस्य मतलब दो मिल करके सहस्र होते हैं, तासाम संख्याने सहस्रमिति विप्रतिषिद्धम, और उनके इस गणना करने में सहस्र जो होता है वो अप्रतिषिद्ध होता है, वो अपने आप में सहस्र नहीं होती हैं। तस्मात लोकम प्रिणा एव सहस्रमिति पक्षे भूमः, लोकम प्रिणा से ही सहस्र को करना चाहिए। इस पर सिद्धांति कहता है सर्वेषां वा अग्नि द्रव्याणां परिमाण अविशेषात् अल्प विराम तत्र वचनात् शेषो अल्प विराम यथा चतुर्दशभिर् पतीति। बोले जितने भी ये अग्नि द्रव्य हैं उनके परिमाण के अविशेष होने से, परिमाण समान रूप से होता है उनका, जितने अग्नि द्रव्य होते हैं ईट जो भी हैं उनका चिति के लिए, उनका परिमाण के अविशेष होने से, समान होने से, तो तत्र वचनात् शेषो, तो वचन जो शेष है वो वचन के कारण से अन्य जगह काम में लिया जाएगा, यथा चतुर्दश भिर्वपति थी, ये उदाहरण दिया है इन्होंने। अनिमित्त कार्ष्णेन समुदाय प्रतीते है सर्वेषां वा इष्टकानां गुण विभक्तिर निर्दिष्टानां संबंधम प्रति अविशेषात् संख्या भी संख्या अभिविवृद्ध्यर्थः प्रायेण वाचनिको विनियोगः प्रयोगांतरार्थो भविष्यति। तो बिना निमित्त के संपूर्णता से समुदाय की जब प्रतीति होती है, कोई विशेष निमित्त नहीं है, तो सर्वेषां वा इष्टकानां अथवा सारी ईटों का गुण विभक्ति निर्दिष्टानां, अप्रधान विभक्ति का निर्देश होने के कारण से उनका, जिनका वर्णन अप्रधान विभक्ति के साथ किया गया है, उनके संबंध को, उनके संबंध के प्रति अविशेष होने से, उस रूप में यानी समान ही है, अविशेषात मतलब समान होने से, संख्या की वृद्धि के प्रयोजन से प्राय करके वाचनिक विनियोग वहां पर प्रयोगांतर में हो जाएगा। संख्या अगर बढ़ गई है मंत्रों की तो वहां वाचनिक प्रयोग से उनका उपयोग कहीं और जगह पे हो जाएगा। उदाहरण के लिए दे रहे हैं यथा चतुर्दश भिर्वपति, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, चतुर्दश भिर्वपति ये वचन है, इति वचनात् शेषम प्रयोगांतरे उपयोक्षते इति, जो बची हुई हैं उनका प्रयोगांतर में उपयोग किया जाएगा। ये पीछे 10वें अध्याय के 5वें पाद के 14वें अधिकरण में आया, 10:5-14 में ये आ चुका है।
तो अधिक है वो तो आगे अन्य कर्मों में चली जाएंगी, लेकिन यदि कम है, ईंटों से कम है तो क्या करेंगे? कम भी हो सकती है, जब ईंटों की संख्या अधिक हो जाएंगी तो मंत्र कम हो जाएंगे, तब क्या करेंगे? तो उसके लिए अगला अधिकरण है 16वां, इष्टका संख्या पूर्णम लोकम प्रेरणा भी मंत्र न्यूनत्वे। तो मंत्र की न्यूनता होने पर लोकम प्रेरणा इन मंत्रों से इष्टका की संख्या का पूर्ण करना चाहिए। इष्टका विवृद्धौ किम प्रकृतानाम एव मंत्राणाम अभ्यासो यावद इष्टकम अल्पविराम। जब ईंटें बढ़ जाएं तो प्रकृत मंत्रों का ही अभ्यास करना चाहिए, जब तक कि ईंटें हैं उन मंत्रों को फिर से बोलने लगो प्रारंभ से, फिर बोल दो ऐसे। उत प्रकृता उपधाय अवशिष्टा लोकम प्रेरणा भवेयु इति संधीयते। अथवा जो प्रकृत मंत्र हैं उनसे ईंटों को रखने के बाद में फिर लोकम प्रेरणा ऋचाएं हैं उनसे फिर वहां पर ईंटों को रखना चाहिए, यानी मंत्र नहीं लेने चाहिए। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है प्रक्रांता नाम एव अभ्यास इति, जो पहले से चले आ रहे मंत्र हैं उन्हीं का अभ्यास करना चाहिए। हेतु दे रहा है प्रकरणा, प्रकरण में वही पढ़े गए हैं। तदुक्तम तृतीय, तीसरे अध्याय में पूर्व तंत्र में ये सूत्र कहा गया था, ये 3:2:21 है। तदाख्यो वा प्रकरणोपपत्तिभ्याम, तो जिस प्रकरण में प्रकरण से और उपपत्ति से उस नाम वाला जो है वही प्रयोग किया जाएगा। इति एतद् व्याख्यातम अभ्यासम इत्यर्थः, अभ्यास करना चाहिए। इस पर सिद्धांती कहता है समशः प्रतिविभज्यः, विभज्य पूर्वै ही पूर्वाणि कुर्यात् उत्तरै उत्तराणि इति लोकम प्रेरणाया अयात याम श्रुतेः। तो बोले समान विभाग करके पूर्व से पूर्व को कर ले और बाद वालों से बाद वालों को कर ले, यानी ईंटें अधिक हैं मंत्र कम है, तो उनको दो विभागों में बांट लिया। तो ये यूं कहना चाहते हैं कि ईंटें तो हैं अधिक और मंत्र हैं कम, तो प्रारंभिक मतलब कुछ मंत्रों को प्रारंभिक ईंटों के साथ में जोड़ लिया, प्रारंभ के मंत्रों को, और बाद वाले मंत्रों को बाद वाली ईंटों के साथ में जोड़ दिया, और जो बीच में मिली हैं उसमें लोकम प्रेरणा मंत्र जो है उनको बोल दिया, तो पूर्ति करने वाली है ना, वैसे भी लोकम प्रेरणा वो चीजें भी बीच बीच में डाल करके पूर्ति करते हैं, तो उनसे संबंधी जो मंत्र हैं वो भी पूर्ति करने वाले हैं, तो बीच में पूर्ति करने वाले को लगा दे, आगे और पीछे तो वही मंत्र रहे। भाष्य देखिए, लोकम प्रेरणया एव अवशिष्टा इष्टका उपधातव्या, पूर्ण विराम, लोकम प्रेरणा से ही अवशिष्ट होने चाहिए, यानी आवृत्ति नहीं कह रहा है। कथम अयात यामत्व श्रुते है, लोकम प्रेरणा मंत्रों की अयात यामत्व सुना गया है, आगे वचन आएगा, यानी यात यामत्व मतलब एक याम बीत गया और उसके बाद के है, मतलब विलंब से नहीं, वो वहीं पर ही बोली जाती है। तो इसके लिए वचन दे रहे हैं, ये ब्रह्मवादी नो वदंती, ब्रह्म को जानने वाले ये कहते हैं, ब्रह्मवादी विशेष लोग होते हैं, नहीं स्वामी जी ब्रह्मवादी आकर के विशेष चीज कह देते हैं, उनका विशेष प्रमाण माना जाता है। ब्रह्मवादी न वदंती कस्मात सती, नहीं कस्मात सत्यात, ऐसे कस्मात सत्यात, यहां अल्प विराम ले लीजिए समझने के लिए, कस्मात सत्यात यात यामनी ही अन्याह इष्टकाह, अल्प विराम, अयात यामनी लोकम प्रणायति, लोकम प्रणा, तो लोकम प्रेरणा है वो तो यातयामनी है और अन्य जो है वो यातयामनी है। तो बोले किस सत्य के कारण से, कस्मात सत्यात यातयामनी अन्यायिष्ट का अयातयामनी लोकम प्रेरणा, लोकम प्रेरणा को अयातयामनी क्यों कह रहे हो और अन्य को यातयामनी कह रहे हो, किस सत्य से, किस आधार पर, किस तथ्य के अनुसार आप ये ऐसा कह रहे हो? तो ब्रह्मवादी भी कितने तर्क करते हैं, आधार पूछते हैं कि ऐसा क्यों कैसे, यज्ञ करते हैं, नहीं पूछ रहे हैं उनसे, पूछ रहे हैं वो लोग करते हैं तो उसमें पूछ तो सकते ही है ना भाई, ब्रह्मवादी तो सबसे ऊपर हो गए, वो तो किसी भी के कार्य में हस्तक्षेप कर सकते हैं, कैसे ये आप क्यों कर रहे हो, ये आप क्यों कर रहे हो, वो तो सबसे बड़े हो गए ना ब्रह्मवादी, तो नीचे वालों में तो कहीं भी अपना हस्तक्षेप कर सकते हैं, अपनी टांग अड़ा सकते हैं, ये कैसे कर, नहीं ब्रह्मवादियों में देखा भी जाता है ऐसा,
जो नीचे वाले होते हैं वो भी उल्टा भी होता है, जो सामान्य विषय वाले होते हैं वो ब्रह्मवादियों को यूं समझते हैं जैसे कि ये हर चीज में ही विशेषज्ञ हैं और उनकी कही भी बात को, जबकि उनका क्षेत्र भी नहीं होता है तो भी उनकी बातें मान लेते हैं, नहीं वो कह रहे हैं तो ठीक ही होगा जबकि उनका क्षेत्र नहीं है। और ऐसा करते करते ब्रह्मवादी भी ऐसे बन जाते हैं जो उनका क्षेत्र भी नहीं है, वहां भी कुछ अपनी बात को कह देते हैं यूं सोच करके कि हमारा ही ठीक है, वो उनको यूं लगता है जैसे कि ब्रह्म का हो गया तो जिसके जान लेने पे सब कुछ जान लिया गया, तो जिसने ब्रह्म को जान लिया उसने सब विषय को जान लिया। अब वो किसी भी क्षेत्र में बोलेगा प्रमाणिक रूप से ही बोलेगा कि वो कह रहा है तो मतलब ठीक ही है, जबकि उसका वो विषय ही नहीं है। और ब्रह्मवादियों की तो विशेष स्थिति होती है, तो तारक वो प्राप्त तो हो, सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम चे, तो वो होना तो चाहिए ना, वो तो ज्ञान है सब विषयों का सब एक साथ उपस्थित, वो होना तो चाहिए ना। सब में तो नहीं होता है, तो खैर चलो इन्होंने बात रखी, इनका विशेषज्ञता होगी, विशेषज्ञता होगी तो उन्होंने रोका। तो इति अन्यथाम इष्टकानाम यातयामत्वात् अयातयामत्वे च लोकम प्रणाया एवं उपपद्यते, लोकम प्रणाया एवं उपपद्यते, यदि अविशिष्टा तया उपदधी उपधीयेरन इति। तो अन्यों को तो यातयामत्व कहा, इसका अयातयामत्व कहा, वो लोकम प्रणा में ही संगत होता है, कब, जब अविशिष्ट रूप से उनके द्वारा रखा जाए बीच में। पूर्व पक्षी कह रहा है लिंगम इदम का प्राप्ति रीति, ये तो लिंग है, आप प्राप्ति बताइए, प्रमाण बताइए। सिद्धांती कह रहा है वचन सामर्थ्यात्, रेफ लगा लीजिए, वचन सामर्थ्य से, क्या वचन है, तो बोले ये वचन है आगे दिया, लोकम प्रिण चित्रम प्रिण इत्याह, ये लोकम प्रिण है चित्रम प्रिण है, दो नाम दिए। यदेव यदेव अस्या ऊनम यह चित्रम, जो इसकी न्यूनता है वही इसका चित्र है, तदेता है पूरा ही थी, वो इसे पूरा पूर्ण कर देता है, इसलिए इसको चित्रम प्रणा कहते हैं। यदेव अस्य ऊनम यह चित्रम तद अनया पूर्यते इति, जो इसका ऊन है जो चित्र है वो इसी से पूरित किया जाता है। तो इति अभ्यसनीयत्वम एव प्रतीयते, इसका अभ्यास किया जाना चाहिए, ये जो इसकी न्यूनता है वो इससे पूरी की जाती है, ये जो इसकी न्यूनता है वो इससे पूरी की जाती है, मतलब इसी का अभ्यास करना चाहिए, इसी से पूरा करना चाहिए। इति अभ्यसनीयत्वमेव प्रतीयते, यदा एव इष्टकाम इष्टका सहस्रेपि प्रतिचिति लोकम प्रणा नियता, यदेव करे इसको, यदा नहीं यदेव, यदेव इष्टकाम इष्टका सहस्रे भी, ईंटों को ईंटों के सहस्र होने पर भी प्रतिचिति लोकम प्रणा नियता, प्रत्येक चिति में लोकम प्रणा वहां पर नियत है। इष्टकाम इष्टकाम इति चितौ बहुत्वम अस्या दर्शयति, इष्टका इष्टका में ये कहते हुए, इष्टकाम इष्टकाम ये कहते हुए इसका बहुत्व कहा जा रहा है। तस्मात लोकम प्रणया अवशिष्टा उपधेया, तो जो बची हुई ईंटें हैं जिनका मंत्र नहीं मिल रहा है वो लोकम प्रणा ऋचाओं से रखी जानी चाहिए। अगला अधिकरण 17वां। अब इसमें जो अग्नि चयन में चिति शब्द आ रहा है उसके लिए कह रहे हैं कि चिति शब्द किसके लिए है, एक प्रस्तर के लिए है, जैसे एक प्रस्तर हुआ फिर दूसरा प्रस्तर हुआ तीसरा हुआ, तो एक एक प्रस्तर के लिए एक एक चिति शब्द है, अथवा उस प्रस्तर के एक जो अवयव है उसके लिए चिति शब्द है, कोई कह सकता है पूरे के लिए चिति शब्द है, चिति शब्द किस में घट रहा है, कितने को हम एक चिति कहें, तो इसमें शीर्षक है अग्नि चयने चिति शब्दों न प्रस्तर परह, प्रस्तर परक चिति शब्द नहीं है ये, यहां ये शब्द प्रस्तर परक है या नहीं है, प्रस्तर मतलब पूरी एक जो परत, एक परत हो गई फिर दूसरी आ जाती है, ये कहते हैं किंतु तद अवयव पर है, उस प्रस्तर के अवयव पर शब्द है ये चिति, कैसे वो भाष्य में स्पष्ट होगा। तो 33वें सूत्र में पूर्व पक्षी कहता है चिति शब्द प्रस्तारे यथा लोके, ये चिति शब्द तो प्रस्तार में ही है, एक
प्रस्तर उसमें है। उदाहरण दे रहे हैं आगे, विपरीत अल्प विराम में लीजिए, पंच चितयो भवन्ति, अल्प विराम, पंच भी पुरुषै अभ्युहति, बंद कर लीजिए विपरीत अल्प विराम को। तो पंच चितयो भवन्ति, पांच चितियां होती हैं, पंच भी पुरुषै अभ्युहति, और पांच पुरुषों से उसको भरता है, जोड़ता है। पुरुष मतलब जो बीच में मिट्टी आदि लगाई जाती है उससे जोड़ने के लिए। इत्यत्र चिति शब्द किम प्रस्तारे वर्तते उत कर्मणि इति संशय। ये प्रस्तार में यानी पूरे के पूरे पांच ऐसे पंच चित है, तो पांच चितियां है, तो पांच प्रस्तार किए गए हैं। तो ये चिति शब्द प्रस्तार में है अथवा कर्म में है, प्रयोग किया गया है, ये संदेह है। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है प्रस्तारे, प्रस्तार में है। कुतः प्रसिद्धत्वात्, बोले यही प्रसिद्ध है। प्राजहादौ प्रस्तारमेकं निर्वर्त्य स्थपतयो वक्तारो भवन्ति। प्रसाद आदि मकान आदि जब बना रहे हों तो एक प्रस्तार को पूरा करके स्थपतय मतलब जो शिल्पकार होते हैं बनाने वाले, वो वक्तारो भवन्ति, वो ये बोलने वाले होते हैं। मानो एक मकान है और एक मकान की एक ईंट सब तरफ लगा दी उसने, सब दीवारों पे, कोई ऐसा बन रहा हो कि सब तरफ पहले एक वहां तक पूरा कर लिया, तो क्या बोलते हैं, अस्माभिर एका चितिर निर्वर्तिता इति, हमारे द्वारा एक चिति पूरी कर ली गई है। तो उस एक प्रस्तार को एक चिति के नाम से बोलते हैं, और वो अपना प्रमाण दे रहा है, शब्दार्थ प्रतिपत्तौ लौकिक प्रयोगो ह्युपाय इत्युक्तम। और ये पहले कह ही चुके हैं आप भी कि शब्दार्थ की प्रतीति में लौकिक प्रयोग उपाय होता है, शब्दार्थ की प्रतीति में लौकिक प्रयोग ही उपाय होता है। अभी तो लोक में असमंजस भी बहुत है, लेकिन फिर भी लोक पे ही आश्रित है, व्याकरण सारा लोक पे आश्रित है, लोक ही आधार बनता है, तो ये लोक के आधार पे अर्थ कर रहे हैं हम ऐसा। लेकिन शास्त्र के साक्षात वचन हो तो फिर लोक वाला नहीं घटेगा, लेकिन शास्त्र में कहीं नहीं मिल रहा है तो लोक का ही आधार होता है, पाणिनि भी मानते हैं। लिंगाच्च, पूर्व पक्षी ही बोल रहा है, बोले मेरे पक्ष में ये लिंग भी मिलते हैं। लिंगम च प्रस्तारे चिति शब्दम दर्शयति, लिंग भी यही बता रहा है कि चिति शब्द प्रस्तार में प्रयोग किया जाता है। आगे वचन दिया इन्होंने, नाक सत्सु पंच चोड़ा अभ्युपधीयंत इति। तो नाक का मतलब तो होता है अंतिम, तुरीय या चतुरीय पंचम प्रस्तार जो होता है, तो उसके हो जाने पर यानी जो अंतिम प्रस्तार हो गया है वो नाक सत्सु पंचचोड़ा, पंचचोड़ा जो है ये इष्ट का विशेष है, ये पांचवें प्रस्तर से भिन्न होती हैं। और ये जो पंचचोड़ा नाम है ये मंत्र विशेष के कारण से इनका नाम है पंचचोड़ा। ये पीछे 2146 में भी आ चुकी है। नाक सत्सु मतलब है कि जो अंतिम है, अंतिम वाला है, उसके हो जाने पर पंचचोड़ा नाम की जो इष्टिकाएं हैं वो अभ्युपदीयंत है, वो रखी जाती हैं। तो इति अभ्युपधानम दर्शयति, ये अभ्युपधान बताया जा रहा है ऊपर रखने को। तो प्रस्तारे चितापदेशः, तो यहां पर प्रस्तार में चिति शब्द का या चिति का प्रयोग देखा जा रहा है। तो ये जो पंचचोड़ा ऊपर रखी गई है मतलब पांच पूरी करने के बाद में रखी है, नाक सत्सु अंतिम वाली हो गई है उसके बाद में, और इसके लिए प्रमाण दे रहा है, ये लिंग दिखा रहा है, पुष्कर वर्णम उपदधाती इति पुष्कर, पुष्कर पर्णम वर्ण नहीं, पुष्कर पर्णम उपदधाती इति पुष्कर पर्णम रुक्मम परुषम स्वयमात्रिणाम इति उपधानम। मातृणाम, स्वयमात्रिणा ये विशेष प्रकार की होती है, स्वयं मातृणाम इति उपदधान उपधानम प्राप्तम वाचनिकम। तो ये जो है ना पुष्कर पर्णम उपदधाति, इसके इस वचन के लिए कह रहे हैं, यहाँ पर जो पुष्कर पर्ण है रुक्म और परुष स्वमात्रिका, इसमें क्या है कि चिति के साधन में इसमें अलग अलग अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो चिति के साधन जो शर्करा है, शुद्र पाषाण है, उसको स्वयं मातृणा कहा जाता है। एक तो ये हुआ, यानी
चिति के साधन के रूप में जो शर्करा है, यानी छोटे छोटे पत्थर के कण हैं, उनको भी कहा जाता है एक। दूसरा छिद्र युक्ता शर्करा, छिद्र से युक्त जो टुकड़े होते हैं उनको भी कहा जाता है। और तीसरा पाक काले स्वतः संपन्न छिद्र युक्ता इष्टका, पाक के समय में जो ईंटें छिद्र युक्त बन गई हैं उनके लिए भी ये कहा जाता है, अलग अलग है। तो जो भी है ये, तो ये जो स्वयं मातृण नाम इति उपधानम प्राप्तम वाचनिकम, ये जो उपधान है ये वाचनिक प्राप्त होता है, वाचनिक प्राप्त होता है। कर्मणि चितौ अर्थ प्राप्तत्वेन अविधेयत्वात्, तो कर्म में चिति के लिए अप्राप्त के अविधेय होने के कारण से, जो अप्राप्त है वो विधेय नहीं होता है, अविधेय होने से वचनम एवं जातिकम अनर्थकम स्यात्। अगर हम उसको अविधेय के रूप में देखेंगे तो ये वचन ही अनर्थक हो जाएगा, इसलिए इसको हमें लेना चाहिए। तस्मादपि प्रस्तारे चिति शब्द इति प्राप्ते ब्रूमः, इसलिए भी प्रस्तार में चिति शब्द है ऐसा हमें समझना चाहिए। आगे 35वां सूत्र, सिद्धांती बोल रहा है, पुरीश व्यवायाद वा चिति पृथक्त्वम अल्पविराम कर्मणि विभागात। तो पुरीश का व्यवधान होने से जो मिट्टी है या गोमय है जिसको बीच में लगाते हैं ईंटों के, उसका व्यवधान होने से चिति का पृथक्त्व हो जाता है। पूर्व पक्षी कह रहा था कि पूरा प्रस्तर एक चिति कहलाएगा, सिद्धांती कह रहा है कि वो एक नहीं कहलाएगी, क्योंकि उसे चिति है और उसके बीच में फिर दूसरी चीजें आ गई, इसलिए वो एक नहीं है, अलग अलग है। तो कर्म में विभक्त है वो चिति, अलग अलग कर्म माने जाएंगे। तो भाष्य देखिए, एक प्रस्तरे एव अनेक प्रस्तारेण पुरीषेण व्यवहिते इष्टका संचिते चिति शब्दो वर्तते। तो एक प्रस्तर में ही अनेक प्रस्तारों के द्वारा पुरुष से व्यवहित होते हुए इष्टिका के चयन में संचित जो इष्टिका है उसमें चिति शब्द का प्रयोग देखा जाता है। विपरीत अल्पविराम में आगे लीजिए, इष्टकाभिरग्निम चिनुते इति, इष्टकाभि अग्निम चिनुते, तो इष्टका भी ये बहुवचन है, इष्टकाभिरग्निम चिनुते इति एवं एव एतत् कर्म प्रतीयेत, इसी तरह से कर्म प्रतीत होगा यदि पंच चितयो भवन्ति इति न श्रूयते संख्यायाः प्रविभागः। संख्यायाः आ की मात्रा जोड़ लीजिए, तो पंच चितयो भवन्ति, ये विपरीत अल्पविराम में यहां पर संख्या का प्रविभाग नहीं कहा जा रहा है। न च पुरीष व्यवधाने पृथक्त्वम्, और पुरुष के व्यवधान में पृथक्त्व भी नहीं है, एक ही है। कर्म विभागादेव पंचचिति शब्दस्य कर्मावयव वृत्तौ, अल्पविराम, तो कर्म के विभाग से ही पंचचिति शब्द के कर्म के अवयव में प्रवृत्त होने से, पुरुष के व्यवधान से वहां पर पृथक्त्व नहीं है, वो जो स्तंडिल बन रहा है वो तो एक ही बन रहा है, बल्कि उसमें जुड़ रहा है, लेकिन फिर भी वहां कर्म के विभाग से हम ये कह सकते हैं। न शक्त्यंतर कल्पनया प्रस्तारे वर्तितुम उत्साहते, तो जब कर्म के विभाग में ही पंचचिति शब्द कर्मावयव में प्रवृत्त है तो किसी शक्त्यंतर की कल्पना के द्वारा, अन्य शब्द के किसी और अर्थ सामर्थ्य को ला करके शक्त्यंतर की कल्पना के द्वारा प्रस्तार में इसको वर्तितुम न उत्साहते, लगाना ठीक नहीं है, उसमें समर्थ नहीं होगा, उसमें उत्साह नहीं रहेगा, क्योंकि पहले ही वो लग चुका है। आप शक्त्यंतर की कल्पना करके प्रस्तार में चिति शब्द का प्रयोग कर रहे हो, ये पूर्व पक्षी को कह रहे हैं। तस्मात कर्मैक देशे चिति शब्दो अल्पविराम न प्रस्तारे, तो कर्म के एक देश में ये प्रयोग है, प्रस्तार में नहीं है। आगे स्वयं मातृणाम च विकर्णीम च उत्तमे उपदधाति, ये तैतरीय संहिता का वचन है। तो स्वयं मातृणा ये नाम हो गया, और विकर्णो विकर्णीम विकर्णी ये भी नाम है, ये 2.146 में आया है पहले। तो स्वयं मातृणा और विकर्णी जो है ये उत्तमे च उत्तमे उपदधाति, उत्तम में रखता है। इत्युक्त्वा आह, ये कहकर के फिर आगे क्या कहते हैं, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, नान्याम उत्तराम इष्टकाम उपदध्यात, अन्य इष्टका को ऊपर नहीं रखे। यद अन्याम उत्तराम इष्टकाम उपदध्यात, अल्पविराम, यदि अन्य को अन्य इष्टका को ऊपर रख देगा तो पशुनाम च यजमानस्य च प्राणम च आयुश्च अपि तथ्यात्, तो पशुओं के और यजमान के प्राण को और आयु को वो
नष्ट कर देगा, दबा देगा, ढक देगा, ये निंदार्थ वचन है। अर्थात स्वयं मातृणा और विकर्ण को ही ऊपर रखता है, अन्यों को नहीं रखता है। आगे उत्तमे उपदधाति, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, उत्तमे उपदधाति इत्येव उत्तमस्य अन्ते उपधाने सिद्धे अर्थवादार्थो अयम प्राप्त प्रतिषेधः। तो उत्तमे उपदधाति, इससे ही उत्तम के अंत में उपधान के सिद्ध हो जाने पर, उत्तम के अंत में ये उपधान करना है इन ईंटों का, ये पहले से ही सिद्ध था, लेकिन फिर भी अर्थवाद के लिए ये प्राप्त का प्रतिषेध बताया जा रहा है। स तु अन्यत्रापि उपधानम पश्यन् प्रसक्तः, अन्य जगह भी उपधान को देख, शब्द को देख करके प्रसक्त हो जाता है। यथा उदाहरण दे रहे, बहु वही गार्हपत्तस्यान्ते मिश्रम इव चर्यते। तो गार्हपत्य के अंत में ये बहु वही, यहाँ पर ये 21 इष्टिकाएं होती हैं, गार्हपत्य में 21 इष्टिकाएं होती हैं। तो बहु वही गार्हपत्यस्यान्ते मिश्रम इव, मिश्रम इव मतलब यहाँ पर ये एक तो मिश्र के समान वहां पर चर्यते व्यवहार करता है, ये स्तुति के रूप में कथन किया गया है। वल्मीक मृत के लिए इष्टका, मृत शर्करा, इनके लिए मिले हुए वल्मीक मृत यानी बांबी की मिट्टी, ईंटें, ईंट की मिट्टी या शर्करा, इन सबको मिला करके कुछ बनता है। तो बहु वही गार्हपत्यस्य अन्ते मिश्रम इव चर्यते इति अधर्म मिश्रादौ पश्यन् अर्थवादः प्रसक्तः अग्नि पावमानी स्तुत्यर्थः। तो ये अधर्म मिश्रादि जो है, एक मिश्रण जो है, ये चयन जो है वो चयन में धर्म भी है और अधर्म भी है, इष्टिका से भिन्न में चयन में धर्म पूर्वक अधर्म पूर्वक, धर्म सहित और अधर्म बिना धर्म के दोनों होते हैं। इति अधर्म मिश्रादौ पश्यन् अर्थवादः प्रसक्तः, अर्थवाद यहाँ प्रसक्त होता है अग्नि पावमानी की स्तुति के लिए। तस्मात् कर्मैक देशे चिति शब्दः, एक एक कर्म के लिए चिति शब्द का प्रयोग होता है। आगे वचन है, त्रुटित है जैसा है देखते हैं। सतीच व्यवधाने पंचस नादेशे नियमाभ्याम अवधानम नाक सत्सु एव नार्थः। इसमें नाक सस्ते सकार और तकार है ना, इसको आगे पीछे कर लीजिए, नाक सत्सु एव, ये अपन ने वचन देखा था 34वें सूत्र की पहली पंक्ति, 34वें सूत्र भाष्य की पहली पंक्ति में नाक सत्सु, उसको इस दृष्टि से कह रहा हूं यहां। तो ना देशे नियम नियमाभ्याम अवधानम नाक सत्सु एव इति नार्थः। तथा पुष्कर पर्णादीनाम अन्यथापि उपधानात् सह विधाने वाक्य भेदा स्यात्। तो पुष्पकर पर्णादि का भी वहां पर जो कथन किया गया था, दूसरी जो पंक्ति दूसरा वचन था, पुष्पकर पर्णादि नाम अन्यथापि उपधानात्, अन्य तरीके से भी दूसरे ढंग से रख देने के कारण सह विधाने वाक्य भेदस्य, अन्य तरह भी रख सकते थे लेकिन उसका भी इसी के साथ साथ विधान मानेंगे तो वाक्य भेद हो जाएगा, अग्नि चयन में वाक्य भेद हो जाएगा। तस्मात् पुरुष व्यवाया चितित्वम इति, तो पुरुष के व्यवधान से चितित्व होगा, एक पुरुष लग किया इसका मतलब है वहां पर व्यवधान हो गया चयन का। तो ये सिद्धांत ही कह रहा है कि जो चिति या चयन शब्द है वो प्रस्तार के या प्रस्तर के एक एक अवयव में है, ये एक चिति हो गई, ये दूसरी चिति हो गई, क्रिया के अंदर वहां अवयव में ये घटेगा, वैसे पूरे समुदाय में भी घटेगा लेकिन प्रस्तार के लिए चिति शब्द यहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया। तो इतना ही रखते हैं, प्रणवदन। सभी को सादर अभिवादन। द्योशान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिः।
देहि।